सेना पर गलवान वाले ट्वीट के बाद ऋचा चड्ढा बुरी तरह से घिर गई हैं। सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोलिंग के बाद अब अक्षय कुमार का भी रिएक्शन आया है। अक्षय ने ऋचा के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि हमें कभी भी एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए। बता दें कि ऋचा चड्ढा ने उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र के एक बयान पर ऐसा ट्वीट किया था जिसमें लोगों की भावनाएं आहत हो गई हैं। उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने की बात कही थी, जिस पर ऋचा ने गलवान वाली घटना याद दिलाई थी। ऋचा इस मामले पर माफी मांग चुकी हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। ऋचा चड्ढा के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अक्षय कुमार ने लिखा, यह देखकर दुख होता है, कुछ भी हो हमें कभी अपनी सेना के साथ एहसान परामोशी नहीं करनी चाहिए। वो हैं तो आज हम हैं। अक्षय ने हाथ जोड़ने वाली इमोजी भी बनाया है। ऋचा ने किया था ट्वीट। बुधवार को ऋचा चड्ढा ने नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान को रीट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने के आदेश को पूरा करने के लिए तैयार है। इसको रीट्वीट करके ऋचा चड्ढा ने लिखा था, गलवान हाय बोल रहा है। इस ट्वीट के बाद ऋचा चड्ढा सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुई। लोग इसे राष्ट्र विरोधी ट्वीट और सेना का अपमान बता रहे हैं। ऋचा के खिलाफ दिल्ली पुलिस की साइबर सेल में शिकायत भी दर्ज हो चुकी है।